पुलिस प्रशासन की लचीली और ढीली कानून व्यवस्था से लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिससे गांव में लोगों के मन में भय का माहौल है। देवास जिले के खातेगांव नगर में चोरों ने रात में मोटरसाइकिल पर हाथ साफ करने की कोशिश की। इस दौरान गांव के रहने वाले नीलेश की चोरों पर नजर पड़ी और नीलेश चोरी का विरोध करने लगे। तभी चोरों ने नीलेश पर लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। इस बीच चोरों के हमले से घायल नीलेश को गंभीर अवस्था में परिजनों ने उसे खातेगांव के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने से डॉक्टर ने इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरों की संख्या आधा दर्जन थी, जिसका आंखों देखा हाल नीलेश की मां बता रही है। तो वो पीछे से एक आयो कहीं से लुक गए खुद गए, उन्हें आकर पहले से दो तीन बार वही पाम मारी, पहले हाथ मारी पूरा हाथ खुल जाती और चोर नहीं छोड़े वन भाई, और फिर बाद में उन्हें एक मारी तो यहाँ मारी और दूसरे फिर यहाँ मारी था, तो मतलब बेहोश हो गए एकदम से और खून तो पूरा चल गया। तो ये सब ने कोई चोर उनको छोड़ के और एक लेके वही बोला अस्पताल बोलता है गाड़ी है, गाड़ी तो फेंक दी फिर उन्हें घबरा के सब भेजा होगा तो जब हल्ला मचाया वो चिल्ला गया तो मुंशी तो फिर सब मोहल्ला हो गया जैसे पाल परिवार का, तो फिर वो भग लिया गाड़ी तो फेंक गए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।